आईपीएल 2020 में रोमांच अपने चरम पर है। आए दिन एक से बढ़कर एक मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। आईपीएल 13 के 39वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहेगी। दरअसल आरसीबी के खिलाफ केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन केकेआर के नए कप्तान मॉर्गन का ये फैसला विराट कोहली की टीम के लिए सही साबित हुआ। टॉस के अलावा कुछ भी केकेआर के पक्ष में नहीं गया। केकेआर की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आरसीबी के गेंदबाज केकेआर के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे और 20 ओवर में 8 विकेट गिराकर 84 रन पर ही रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई। 5 ओवर के अंदर केकेआर के 4 बल्लेबाज केवल 15 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही केकेआर ने आईपीएल में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दरअसल केकेआर की टीम आईपीएल 2020 में पहली ऐसी टीम बन गई जिसने पावर प्ले में सबसे कम रन बनाए और सबसे ज्यादा विकेट भी गंवाए। इससे पहले दिल्ली और पंजाब के मैच में पावर प्ले में सबसे कम स्कोर 23 पर 3 बना था। उसी तरह केकेआर बनाम पंजाब के मैच में 26 पर 2 और हैदराबाद बनाम राजस्थान के मैच में 26 पर 1 का स्कोर बना था। इसके साथ ही इस मैच में आईपीएल में केकेआर ने अपना दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर बनाया। आरसीबी के खिलाफ केकेआर की टीम 8 विकेट खोकर 20 ओवर में केवल 84 रन ही बना पाई। इससे पहले केकेआर का न्यूनतम स्कोर 67 रन था जो साल 2008 में मुंबई के खिलाफ बनाया गया था। हालांकि विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल में न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीम है। आरसीबी ने साल 2017 में केकेआर के खिलाफ ही केवल 49 रन बनाए थे, लेकिन इस मुकाबले में आरसीबी ने केकेआर को 84 रन पर रोककर उस हार का बदला भी ले लिया। कोलकाता द्वारा आईपीएल के इतिहास में किसी भी टीम का ऑल आउट हुए बिना बनाया गया ये सबसे न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले ये अनचाहा रिकॉर्ड किंग्स 11 पंजाब की टीम के नाम था। पंजाब ने साल 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बिना ऑल आउट हुए 8 विकेट पर 92 रन बनाए थे। केकेआर की ओर से सबसे ज्यादा रन इस मैच में 30 रन रहे जो कप्तान इयॉन मॉर्गन ने बनाए। मॉर्गन के अलावा केवल 3 बल्लेबाज ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। टॉम बेंटन 10 रन, कुलदीप यादव 12 और लॉकी फर्ग्यूसन 16 गेंद पर 19 रन बना पाए। इस मैच में आरसीबी के गेंदबाजों ने भी शानदार रिकॉर्ड बना डाला। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम ने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर मेडन फेंके हों। इस मैच में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रच दिया और आईपीएल में 2 ओवर मेडन फेंकने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए। दोनों टीमों के बीच हुए एक तरफा मुकाबले को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।